मुझे नहीं उठाया। इसमें कौन सी नई बात है, आज तक तुम कौन सा वक्त पे आई हो या वक्त पे उठी हो? क्या लव, सुबह सुबह। कम से कम तुम्हें इतना तो पता है सुबह हो गई है। I'm glad। मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथों कोई कष्ट हो, मैं अपने आप बना सकता हूँ। क्या बात अलग, आजकल तो बात बात पर ताने मारते हो। तुम्हें पता है कष्ट तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझा और तुम्हारे साथ रिश्ते में बंद बैठी। तो तोड़ दो, किसी ने रोका है तुम्हें? बस एक यही तो फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम हमेशा तोड़ने की बात करते हो और मैं जोड़ने की। जोड़ तोड़ की बात वहां होती है जहां कुछ बचा होता है। कुछ बचाने के लिए वक्त देना पड़ता है, वही तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो बहुत है ना, सारा दिन तुम घर पे ही होती हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो, रोहन का ध्यान तुम रखते हो? देखो तुम ऐसा मत दिखाओ कि सिर्फ तुम ही ध्यान रखती हो रोहन का, मैं भी दिन रात काम करता हूँ जिससे वो अच्छे स्कूल जा सके और ये घर चल सके। सारे काम तुम करते हो, तुम ही कमाते हो, रोहन का ध्यान भी तुम रखते हो, मैं तो यूजलेस हूँ ना। जाग आ रही हो तुम, लेट्स फाइट ना, तुम्हें यही तो चाहिए दिन भर। लड़ो, आओ बैठो, डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस फाइट आल्सो। हाँ माँ, परसों आती हूँ रोहन को लेने। वैसे है कहाँ ये शैतान? अरे नहीं नहीं खेलने दो। अच्छा माँ, प्रेरणा का कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है। हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं ना, शादी के इतने टाइम बाद भी तो समझ नहीं पाएंगे। अब वैसे भी इट्स योर 8th एनिवर्सरी, यू गाइस शुड सेलिब्रेट यार, रिलैक्स। एनिवर्सरी याद भी है उसे? तो तू याद दिलवा दे, प्लान सरप्राइज फॉर हिम। और हाँ, मैं और आशा भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। आई मीन इतने टाइम बाद हमारा रीयूनियन भी हो जाएगा। नहीं हाँ, परफेक्ट रहेगा। और सर मेरे लिए मटर पनीर बना कर रखिए, ठीक है? तुझे पता है मेरी फेवरेट है। अच्छा हाँ, आ जा तू और तेरा मटर पनीर। ठीक है, चल मिलते हैं। है नरे भाई, तुम सबके सब इन्हीं छपरे बार में, जब मैं तुमसे बोली चुकी तुम जल्दी आया, तुम किले नहीं आया जल्दी? तो का पागल पुगल है क्या थोड़ी सी, आज फिर अपनी भाषा में गाली दे रही है। मैं बोले ना हरियाणवी क्या बोलोगे? लेट तुम आए हो या मैं लेट? तुम्हें कोई बात बता, मैं तो हरियाणवी बोलता हूँ। अब सुन, आज तुमने की रोटी दी जली हुई रोटी, हमारे ऑफिस के बाहर में कुत्ते थे, कुत्तों ने ना खाई वो। अच्छा, तुमने मेरी दीवी रोटियां कुत्तों को खिला दी? और क्या, उन्होंने मना कर दिया। कल से मैं तुम्हें कोई लंच नहीं दूंगी, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो यार। मैं चाहता हूँ तू काम करे, इसलिए तेरे से लंच बनवाता हूँ। सुन ले पहले, दंत है, दंत कानों में सुन ले। तो क्या मैं काम नहीं करती? अब चलो। वैसे एक बात तो है, गुस्से में सारी हीरोइनें फेल करती है तू। सॉरी। गाड़ी चला रहा हूँ, दौड़ू। कितना अच्छा लगता है तुम दोनों को एक साथ इतना खुश देख के। इतना टाइम हो गया, तुम दोनों अब भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, एकदम खुश एक दूसरे के साथ। और यहाँ हमें देख लो, हमेशा लड़ने के नए बहाने ढूंढते हैं। दूर रहने के लिए तो हजारों बहाने मिल जाते हैं, लेकिन पास रहने के लिए एक ही काफी है। यार
बस कर यार, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम दोनों को। लो आगे लव, देखना तुम दोनों को देख के कितना खुश होंगे। आशु प्रेरणा यही बैठ। दे डाइड कार एक्सीडेंट में। से जुड़े लोगों के होने का एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो हमें छोड़ जाते हैं तो बस खालीपन रह जाता है। इसलिए जो अहम है उन्हें अहमियत देना सीखिए।